गुड मॉर्निंग। आज का विषय है ड्रोन। ये विषय लेने का मुख्य कारण है, अभी रिसेंटली 26 अगस्त 2021 को नया ड्रोन कानून लागू हुआ है। वो यूजर फ्रेंडली कानून है। इस कानून के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं टोटल 21 एपिसोड अलग अलग बनाऊंगा, ताकि हर एक को ड्रोन क्या है, उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, कितना वैरायटीज है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लाइसेंसिंग क्या है, उसका ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ बताया जाएगा। और उसके अलावा अलग अलग एग्जीबिशन अरेंज करके फार्मर्स लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं ड्रोन मतलब क्या है। इसका दूसरा नाम यूएवी भी है। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब पायलट लेस एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम है आई इन द स्काई, ये भी है। इसका मेन लॉन्ग फॉर्म है फ्रेंड्स ड्रोन, मींस डायनामिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट। ड्रोन वर्ड जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था 1935 में, यूके में रॉयल एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने द क्वीन बी करके ड्रोन था, उसको इन्होंने ये नाम दिया था फर्स्ट टाइम। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स ड्रोन के क्या क्या टाइप्स है। ड्रोन के मुख्यत्व मेनली ब्रॉडली टू टाइप्स या दो प्रकार बोल सकते हैं। पहले जो है कितने इसके रोटर्स है, रोटर्स नंबर ऑफ रोटर्स कितने हैं, इसके ऊपर डिवीजन होता है। मतलब चार है तो क्वाड ड्रोन बोलते हैं, छः है तो हेक्सा ड्रोन बोलते हैं, तीन है तो ट्राई ड्रोन, दो है तो बाय ड्रोन, एक है तो मोनो या सिंगल रोटर ड्रोन, या कुछ भी नहीं है फिक्स्ड विंग ड्रोन, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा है ऑल ऑफ इट, ये हमें इम्पोर्टेंट है बिकॉज बेस्ड ऑन दिस मेनली क्लासिफिकेशन और उसके ऊपर ही परमिशन वगैरह लेना है। तो इसमें ऑल ऑफ वेट मतलब टोटल कितना वेट उठा सकता है ड्रोन, तो उसमें है ये पांच प्रकार। नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम वेट उठाने वाला ड्रोन को नैनो ड्रोन बोलते हैं। माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक जो वेट उठा सकता है ड्रोन, उसको माइक्रो ड्रोन बोलते हैं। अब इसको लाइसेंस की जरूरत नहीं नया कानून के हिसाब से, इसलिए इधर एल लिखा है। ये दोनों क्लासिफिकेशन को मतलब 250 ग्राम से लेके 2 केजी तक लाइसेंस की जरूरत नहीं। तीसरा है स्मॉल ड्रोन 2 केजी से 25 केजी तक। चौथा है मीडियम ड्रोन 25 से 150 केजी तक। और पांचवा है लार्ज ड्रोन 150 केजी से लेके ऊपर 500 केजी प्लस तक। तो आइए देखते हैं इसके मेन यूजेस क्या क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फ्रेंड्स इसका मेन इस्तेमाल डिफेंस मतलब फौज में या सिविल मतलब नागरिक सेवा के लिए किया जाता है। फौज में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, उसके यूजेस वगैरह वो अलग एपिसोड बनेगा। और सिविल में भी बहुत सारे यूजेस है, उसका भी अलग एपिसोड बनेगा। लेकिन इसमें मेनली मैं हिट हार्ड करने जा रहा हूँ किसान लोगों के लिए इसका कैसा मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं और नया कानून क्या बोलता है। तो आइए देखते हैं पहले डिफेंस में जो बैटल फील्ड में इसका बहुत एडवांटेज क्या है कि इसमें पायलट नहीं रहता। तो मान लीजिए ये एनिमी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा पैसा ही लॉस हो जाएगा लेकिन पायलट बचेगा या अपना आर्मी पर्सन बचेगा। मतलब जान या जान की हानि इसमें नहीं है बिल्कुल। दूसरा ये जो है इसमें क्लासिफिकेशन आर्म्ड या अनआर्म्ड ड्रोन, आर्म्ड मतलब जिसमें मारक क्षमता है, अटैक करने की क्षमता है, उसको दूसरा नाम है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी बोलते हैं।
और दूसरे दूसरा जो है जो मारक क्षमता नहीं रखता हो सिंपल यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहलाता है। देखिए डिफेंस में मेनली ये पांच नाम ड्रोन के लिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इस्तेमाल ड्रोन का 1996 में किया था हेरोप करके इंडिया में, देन निशान, देन रुस्तम। ये रुस्तम जो है ड्रोन डीआरडीओ विकसित ड्रोन है इंडिया में, मेड इन इंडिया। देन अभी 20 प्रोजेक्ट पे डीआरडीओ काम कर रही है, उसमें मेन हिट हार्ट मेनली स्टार प्रोजेक्ट जो है वो औरा करके है। ये औरा जो है ये स्टिल्ट टेक्नोलॉजी यूज करके मिसाइल लेसर गाइडेड बॉम्ब्स सब ये ऐसा मारा कर सकता है, ऐसा ही औरा मिसाइल डेवलप कर रहे हैं डीआरडीओ अपना मेड इन इंडिया। अभी रिसेंटली लास्ट मई में प्रधानमंत्री ने और राजनाथ सिंह साहब महामहिम रक्षा मंत्री साहब ने जो डील किया अमेरिका के साथ 22 प्रीडेटर्स ड्रोन्स खरीदा है। फ्रेंड्स इसकी कई मिलियन डॉलर्स कीमत है और उतना ही ये मारक और घातक हथियार भी है। इसके बहुत एडवांटेजेस है, जहां आदमी या फौज नहीं जा सकती उधर भी ये जाके अपना काम तमाम करके आएगा। तो अभी भी बहुत सारे लेने वाले हैं प्रीडेटर्स भी, तो इसके बारे में हम डिटेल बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला भारत का जो कानून बन गया था वो 1 दिसंबर 2018, उसमें कई प्रॉब्लम्स थे, दिक्कतें आती थी। आम आदमी जाएगा किसान, ड्रोन मुझे चाहिए हमें खेती में यूज करना है, स्प्रे करने में, पेस्टिसाइड स्प्रे करने में, फर्टिलाइजर स्प्रे करने में, तो उसको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे जो उनको पता नहीं, 25 से लेके 30 तक फॉर्म भरने पड़ते थे। ये सब ध्यान में लेके अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के महामहिम मंत्री साहब ने, ज्योतिरादित्य शिंदे साहब ने डिसीजन लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, और ड्रोन का एक कॉरिडोर भी एक एस्टेब्लिश करेंगे जहां जिस एरिया में कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ ड्रोन आएगा जाएगा, मतलब जैसा रोड है हाईवे है वैसा कॉरिडोर अलग अलग स्टेट्स में बनाएंगे। इसका फायदा मेनली माइंस, जो कोल माइंस है, गोल्ड माइंस है, जो भी माइंस है, जहाँ कॉपर माइंस है, जहाँ उत्खनन चल रहा है, उधर बहुत होगा, क्योंकि उधर ट्रांसपोर्टेशन लॉरी से वगैरह करते हैं या चेन से। अभी ये ड्रोन करेगा तो ड्रोन जाएगा आएगा, उसमें कोई नहीं रहने जाने की जरूरत, रिमोटली सभी सेट है, वो अपने आप भरते ही जाएगा, डाउनलोड करेगा फिर आएगा। तो एक ओपन कॉरिडोर विकसित कर रहे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये अभी जो 21 एपिसोड में बना रहा हूं। इसमें पहले वाला जो कानून था 2018 का दिसंबर का, इसमें 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, अभी 5 ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। पहले 72 तरह की अलग अलग फी भरनी पड़ती थी, अब 4 ही तरह की फी भरनी पड़ेगी। पहले हर एक को 3000 से ज्यादा पैसा नापना पड़ता था, अपने भरना पड़ता था फाइल लाइसेंस ये वो करने के लिए एप्लीकेशन के लिए, अब सिर्फ 100 रुपए में होगा काम आपको, इतना फ्रेंडली कर दे। देखिए पहले 300 kg का दायरा में था, अभी 500 kg उसका लिफ्ट करके कर दिया, और अभी 3 जोन्स बनाए जिसमें ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स और रेड जोन्स, इसका डिटेल में नेक्स्ट देखेंगे। और ग्रीन जोन में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसा बिना परमिशन का ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग डर के, उनको पता नहीं इसलिए वो ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी देखिए आते कुछ ही समय में हर एक गांव में हर जगह आपको ड्रोन दिखाई दे। आइए आते हैं अभी एग्रीकल्चर के लिए मेनली क्या क्या ड्रोन है। इसमें मैनुअल ड्रोन और दूसरा रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन, ये दो तरह के ड्रोन है। तो रिमोटली ऑपरेटेड जो है वो मोबाइल से ऑपरेट होता है, इनका कैपेसिटी जो है लीटर्स में रहता है, 5 liters, 10 liters, 16 liters, 24 liters। प्राइस रेंज जो है तो 2.5 lakh से लेके 7 lakh तक है अप्रोक्सीमेटली। अभी ये प्राइस धीरे धीरे कम आएगा,
मेनली इसका मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में है अभी, जैसा महसाना जो भैंस फेमस है वैसा उधर महसाना की जगह ही आजू बाजू में, उनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी जगह अभी मैन्युफैक्चरिंग होगा। देखिए ये 10 मिनट में 2 एकड़ स्प्रे कर सकता है, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या टॉनिक हो। देन दूसरा, ये एक दिन में 50 एकड़ तक कवर करेगा, एक आदमी कितना कवर कर सकता है, लेकिन एक ड्रोन 2 घंटा अगर उसको चार्ज करेंगे तो 50 एकड़ तक ड्रोन सब काम तमाम करके अब उधर ही बैठेगा, आके लैंड होगा। तीसरा जो है, दूसरा जो इस्तेमाल है, ड्रोन डिलीवरीज। अभी अमेजोन इस पर बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब आप कुछ मंगाते हैं जैसा पिज्जा वगैरह होता है फॉर एग्जाम्पल के ऊपर, तो ड्रोन आपको डिलीवरी लेके आएगा तुरंत आपके घर में। तो इमरजेंसी मेडिकल, अभी मान लीजिए रिमोट गांव में आदमी बीमार है और उसको पर्टिकुलर दवाई की जरूरत है, इधर नहीं है, अभी कैसे आएगा, तो ये UAV ड्रोन लेके पहुंच जाएगा और वो आदमी का जान बचाएगा। देन डिजास्टर रिलीफ में, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं अर्थक्वेक, कहीं क्या सुनामी, तो उधर कम्युनिकेशन नहीं है, फेल है सब कुछ है, उधर तुरंत रिलीफ पहुंचाना है, सभी मटेरियल्स सभी पहुंचाना है। ये इमरजेंसी में मेडिसिन भी और डिजास्टर में रिलीफ भी उधर लोगों को हेल्प करेगा। पांचवा जो है पुलिस, मेनली सर्विलांस और जो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। इसके अलावा अभी सर्वे वगैरह कर रहे हैं बाढ़ के वजह से कितना हो गया वगैरह, और ड्रोन एक बार इधर करके आएगा तो बस सब सर्वे हो जाएगा। ड्रोन से मैपिंग होता है, हाँ, जहाँ कौन सा खेत में क्या ज़्यादा ये बीमारी है वगैरह वो सभी, और आगे जाके ड्रोन सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, जहाँ मेनली जो प्रॉब्लम है क्रॉप्स को, उतना ही स्प्रे करके आ जाएगा, पूरा फील्ड में सब दवाई छिड़काने की जरूरत नहीं। वो पहले मैपिंग करेगा, देखेगा कहाँ का क्या दिक्कत है और उसके हिसाब से जहाँ प्रॉब्लम है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक एग्रीकल्चर का ड्रोन से कर सकते हैं, माइंड ये नया वर्ड है। और दूसरा, अब किसी को पता नहीं होगा, ड्रोन ये अंडरग्राउंड अंडर वाटर भी ट्राई करता है, तो ऐसा है ये ड्रोन, पहले बहुत सारे पुरातन काल में देवी देवताओं का प्यारा सा उनका वाहन था हवाई जहाज पुष्पक विमान, अब इस सदी का ये ड्रोन जो है पुष्पक विमान से कुछ कम नहीं है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।